तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने आज तक तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को नजरअंदाज किया है। केवल फट्टे टांग कर बिना व्यवस्थाओं व सुविधाओं की तकनीकी विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, जो कि छात्रों का शोषण है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी परिषद 27 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। तकनीकी विश्वविद्यालय इकाई सचिव सौरभ शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति व टीचिंग व नॉन टीचिंग की स्थायी नियुक्ति की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर एबीवीपी ने आंदोलन छेड़ रखा है, मगर सरकार ने आज तक विश्वविद्यालय की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों से वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस को कम करने, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष कम से कम 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए, छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द ही कोई फैसला नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को उग्र करने से गुरेज नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। डायरेक्टर से मिलने आए हुए हैं। हमारी मांग है कि जेबीटी भर्तियों का परिणाम, चाहे कमीशन का हो चाहे बैच वाइज का हो, उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और हमारी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। सर, ये एलिमेंट्री प्रशिक्षित अध्यापक संघ है हिमाचल प्रदेश से, इनकी काउंसलिंग पिछले वर्ष फरवरी 2021 में हो चुकी है, लेकिन इनका परिणाम अभी तक हम लोगों ने घोषित नहीं किया हुआ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। तो जब तक कोर्ट की तरफ से स्टे वेकेट नहीं होता है, तब तक हम लोग किसी प्रकार की भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने हमारे पास आज अपना ज्ञापन दिया हुआ है, जिसे मैं अपनी तरफ से अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहा हूँ, ताकि इस मामला हर अथॉरिटीज के ऊपर पास जाकर के जो भी निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा, उसके अनुसार सरकार या कोर्ट के आदेशों के अनुसार जो भी किया जाएगा उसी के अनुसार होगा। ओवरेज की बात नहीं आती, एक्चुअली कमीशन के आधार पे जो 45 ईयर्स तक होता है, बाकी आप तो 56 साल 57 साल तक की उम्र में भी बैच वाइज जो है उनको हम लोग पोस्टिंग दे सकते हैं, ओवरेज की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ अरसे तक लोगों के अंदर चार्म बना रहता है कि हम लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।